पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को समझो। और ये सर जी हैं, तो यहाँ का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए, खुशरुबा के बारे में कुछ। अब हमें तो नहीं पता, तुम ही बताओ, बस ये जानते हैं यहाँ पे कपल्स आते हैं, कपल्स अभी हम लोग जा रहे हैं। इधर एग्रीकल्चर का थोड़ा सा प्लांट लेना था हम लोग को, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे थे। देखिए आपको यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, यहाँ पे एरबोरी कल्चर हर तरह के प्लांट लगाए गए हैं और इनकी हर महीने शेडिंग कटिंग होती रहती है। खुशरूबाग में ये देखिए किस तरीके से इन प्लांटों की कटिंग होती है। ये है गाइस खुशरूबाग, ये बने रहिए हमारी वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। गाइस अगर आपको यहाँ पे आते हुए भूख भी लगती है तो आप लोग यहाँ पे जो अमरूद के पेड़ है उनमें चढ़ के खा भी सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे फुल मजा भी लिया जाता है, गुआवा अमरूद का वो देखिए वहाँ पे चढ़े हुए हैं गाइस, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो क्या कहना चाहते हैं आप भैया, थोड़ा कुछ हमारे सब्सक्राइबर को कह दीजिए, कुछ मतलब यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर हम ये नए हैं अभी। अच्छा नए हैं आप, तो आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे? रेलवे के पास। लगभग कितने किलोमीटर है? पास ही है। तैयारी करते हैं? तैयारी नहीं, ठेकेदार हैं उन्हीं लोग के। चलिए गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा लगा इन लोगों भैया लोगों से मिलकर सकते हैं गाइस, यहाँ आने के लिए यही मजा है। हाँ भैया 1.10 थिंकिंग मेरे 10 के तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुआवा के प्लांट्स में ग्राफ्टिंग हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये ग्राफ्टेड वाले प्लांट्स हैं, ये गुआवा के लगाए गए थे, लगभग 2-3 महीने हो रहे हैं ये प्लांट्स अभी गुआवा के लगाए गए थे। तो ग्राफ्टिंग करने के ये फ़ायदा होता है कि जो प्लांट्स होते हैं छोटे से उनमें फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस मैंगो की न्यू वैरायटी जो कि अमेरिका से मंगवाई गई है, ये देख सकते हैं इसमें के जो फल होते हैं वो हल्का डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, लगभग 1,00,000 रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेरू के ग्राफ्ट, पेरू इसका क्या साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम बताइए जरा, गुआवा का पता नहीं भूल गए हम लोग, कुछ भी गुआवा जावा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नए प्लांट्स भी लगाए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ गाइस अमरूद की नज़र ताड़ रहे हैं, कुछ मिल जाए यहाँ पे खाने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ सभी लोग पढ़ने भी आते हैं। तो गाइज अभी हम लोग हैं कार्यालय उद्यान विशेषज्ञ के पास जो कि खुशरूबाग प्रयागराज के अंदर है, आइए चलते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे गाइज कितने बढ़िया तरीके से फूल लगाए गए हैं। यहाँ पे और एक नोटिस लिखी गई है, आप CCTV के कैमरे में नज़र में हैं, कृपया मतलब कुछ भी करिए ना यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे नए नए तरीके के प्लांट्स में पौधों में पानी दिया जा रहा है, वही देखिए वहाँ पे समरसेबुल का पाइप चल रहा है ना गाइस। तो यहाँ पे देखिए आइए चलते हैं और आगे,
ये पेड़ न्यूट्रिशन की कमी से मुरझा गया है। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ग्राफ्टिंग भी हुई थी। गेट नंबर 1 2000 वर्ग मीटर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो गाइस कितने बेहतरीन बेहतरीन तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा आनंद मिला यहाँ पे आने के बाद। गाइस बुमराह की बॉल की पहली बॉलिंग बहुत ही खतरनाक उस एग्जास्ट सचिन तेंदुलकर यहाँ पे बोल्ड होते हुए। ओवर की दूसरी बॉल का सामना करेंगे सचिन तेंदुलकर और उनके सामने ये खतरनाक बॉलर बुमराह और यहाँ पे करारा शॉट मारने का प्रयास किया मगर बॉल यहाँ से थोड़ा सा बल्ले और बैट के बीच में बहुत दूर का अंतर था। भाई काहे इतनी ज्यादा मस्ती सूझी भाई भाई, अब इसका देख लो भाई, देख देख भाई भाई भाई, भाई।